हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है वो हम फिर से स्केच बुक के ऊपर करने वाले हैं। तो मैं जो है वो अपने एक्रेलिक कलर ही यूज़ करने वाला हूँ इसके ऊपर, ठीक है। एंड जो है एक्रेलिक कलर को मैं बाय निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो वाइट और ब्लैक तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। बगैर सब कलर मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। एंड सिंपल सी ड्राइंग बनाने वाला हूँ आज, ठीक है, इस धागे की मदद से। तो यहाँ पे जो है वो कलर मैंने बाहर निकाल लिया है, तो अभी इसको मैं जो है सिंपली वो धागे के ऊपर जो है वो लगा लेता हूँ जल्दी से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पे अभी मैंने धागे के ऊपर कलर वगैरह लगा दिए हैं, तो अभी इसको बुक के अंदर रखते हैं। ओके, तो अभी मैं इस बुक को जो है वो बंद करता हूँ एंड फिर इस धागे को जो है वो मैं बैग की तरफ खींचूंगा तो ड्राइंग बन जाएगी, मैजिक हो जाएगा, मैजिक। चलिए अभी इसको बाहर खींचता हूँ मैं जल्दी से। तो यार यहाँ पे जो अभी धागा है वो बाहर आ चुका है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसी ड्राइंग बनी है। अच्छी बनी है, लेकिन जो है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना जो है इसको ब्रश के साथ मैं इसके अंदर हल्का सा कलर ऐड कर दूँ, ठीक है। तो मेरा मन तो कर रहा है, चलो करते हैं इसके अंदर ऐड कलर जल्दी से। मतलब जैसे मैंने वीडियोस में देखा था वैसी ड्राइंग तो नहीं बनी है, लेकिन चलो हम जो है इसके अंदर अपना जुगाड़ करते हैं और इसके अंदर जो है कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है, ब्रश के साथ। तो यहाँ पे जो है वो कलर ऐड कर दिया मैंने, तो ये थी हमारी आज की सिंपल ड्राइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।